अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड प्लाज़ा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्विक इजी क्रंची स्नैक की रेसिपी। तो इस रेसिपी के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। मेरे चैनल पे नए मेहमान हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक का बटन टैप करें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन ले लेंगे। पैन में ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून राई और 10 से 15 सेकंड के बाद ऐड करेंगे एक बड़ा कटा हुआ प्याज, कड़ी पत्ता 10 से 12 और 3 से 4 हरी मिर्ची कटी हुई, और सौते कर लेंगे पिंकिश कलर आने तक। फिर ऐड करेंगे 1 कप बॉइल्ड कॉर्न और ग्रेटेड की हुई गाजर, और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। फिर इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। फिर इसमें ऐड करेंगे नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर लें। इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 बॉइल्ड मैश किए हुए आलू, और एक बार अच्छे से मीडियम फ्लेम पे इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और मिक्सचर को मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, और फिर इसको कूल डाउन कर लेंगे, ठंडा करके अलग रख देंगे। एक स्लरी बना लेंगे। इसके लिए ले लेंगे 1 कप मैदा, और मैदे में ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, और इसकी थिक स्लरी बनानी है, ना ज़्यादा गाढ़ी रखनी है और ना ही ज़्यादा पतली करनी है, इसमें कोई लम्स ना हो। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। पोरिंग कंसिस्टेंसी में है, देखिए इस तरीके से रहे। और फिर ले लेंगे ब्रेड। ब्रेड को चारों साइड से इसके किनारे काट दें, और फिर इसको पानी में डिप कर लेंगे और अच्छे से प्रेस करके सारा पानी निकाल लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मिक्सचर, और इसको अच्छे से चारों साइड से इसको बंद कर लेंगे, चारों साइड से कवर कर लें और पूरा सील कर दें इसको, और कटलेट के शेप में इसको बना लेंगे। और इसी तरीके से सारे कटलेट बना के रख लेंगे। फिर इसको डिप करेंगे बैटर में, और फिर इसको डिप करेंगे ब्रेड क्रम्स में। अच्छे से चारों साइड से कोट कर लें, और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं इसको एयरटाइट कंटेनर में, और फिर इसको डीप फ्राई कर लें। पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दें, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करें, और दोनों साइड से अच्छे से क्रंची होने तक इसको फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन हो जाने तक इसको कर लेना है, और फिर इसको ड्रेन आउट कर लेंगे। और बस आपकी ये रेडी हो जाती है कटलेट, और ये बहुत ही क्रंची है बाहर से और अंदर से उतनी ही मज़ेदार। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। सर्व कीजिए ग्रीन चटनी सॉस जैसा भी आपको पसंद है, और इस मौसम का मज़ा लीजिए और इस रेसिपी का मज़ा लीजिए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मे अल्लाह ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ हेल्थ। कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।